करियर को लेके, सबसे पहले ये जानना चाहिए कैसे अप्रिशिएशन मिला, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा मामी में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला जी. सो कैसा फील कर रहे हैं और क्या अप्रिशिएशन मिला अब तक? आई थिंक मज़े आ रहे हैं, क्योंकि जनरली मेरे को जिस तरह के अप्रिसिएशन मिलते हैं बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, कि मेरी सारी ज़्यादातर फिल्में जो पिट जाती हैं या लोग देख नहीं पाते या रिलीज़ नहीं हो पाती हैं. और यहाँ पे एक फिल्म मैंने की जो पर्दे पे दिखाई गई और बहुत बड़ा पर्दा था, 1100 लोग थे वहाँ पे और लोगों ने दमदनाते हुए खूब दबा के ताली बजाई. और ये मेरे लिए एक्चुअली इन 10 सालों की फिल्म करियर में वो मेरे लिए सबसे बड़ी रात थी, क्योंकि मैंने एक फिल्म को इस तरह का अप्रिसिएशन मिलते हुए देखा. कि जनरली मैंने जो हिंदी फिल्में की हैं उसमें मुख्य चरित्र मेरा बहुत कम ही रहा है, और अगर जो जिस फिल्मों में रहा है वो फिल्म आई नहीं है, लोगों ने देखी नहीं, तो जनरली मुख्य चरित्र के लिए ही हर तरह का अप्लाउज या वो रिजर्व होता है. लेकिन ये था कि मैं इस फिल्म का मुख्य किरदार हूँ, मुख्य चरित्र हूँ, और वो देख के मेरे काम को इतनी तारीफ मिल रही है, बहुत भाव विभोर हुआ. मतलब इट वॉज वेरी वेरी मैजिकल एंड फेल्ट कि मतलब कि ऐसी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हो रही है टाइप्स. वही चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा ये जानना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि थोड़ी झलकियाँ दिखाई दे रही है कि फ्लाइट को लेकर कुछ है, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली क्या है, ये फिल्म का नाम है उड़ो जहाज बंगला में, द फ्लाइट, या तो एक एरोप्लेन की कहानी है. एक्चुअली एक मैकेनिक है, गैराज मैकेनिक है, जो एक छोटे से गाँव में काम करता है और गाड़ियाँ ठीक करता है, बीवी है, बच्चा है, एंड बट हिज ड्रीम इज़ टू फ्लाई. वो चाहता है कि वो अपने बीवी और बच्चों के लेके दुनिया के अलग अलग कोने में जाए, उनको नई नई दुनिया दिखाए, नई जगह दिखाए. लेकिन कैसे जाएगा, इतना उसके पास उसकी हैसियत भी नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. लेकिन वो ऐसे सोचता है, अपनी बीवी को कहानी बताता है कि वहाँ पे ऐसा देखूँगा, वहाँ पे ऐसा देखूँगा. और एक दिन उसको एक जहाज़ मिलता है और वो सोचता है कि जहाज़ को ना सही करके उड़ा के ले जाएगा. तो वहाँ से वो फिल्म की कहानी है कि अगर वो जब सोचता है कि वो जहाज़ को ठीक करके उड़ा के ले जाए तो लोग बोलते हैं तू पागल है, ऐसे थोड़े ना होता है, जहाज में इंजन लगाया, तुमने रंग किया और उड़ा के ले चले गए. तो साइकिल, स्कूटर, मोपेड, गाड़ी थोड़ी ना है कि गाड़ी पड़ी हुई है, आपने खरीद ली सेकंड हैंड, ठीक किया, लाइसेंस बना के उड़ा के ले गए, इन्वायरमेंटल वो अपना POC बना के. एरोप्लेन है भैया, पागल हो गया क्या? तो वही कहानी है कि जहाँ पे एक इंसान बहुत बड़े बड़े सपने अगर देखने की हिमाकत करे तो उसको पागल करा दिया जाता है, विच इज़ द फिल्म इज़ अबाउट. ओके चंदन सर, हमने आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर और शेड्स में देखे हैं, सो क्या प्रोसीजर होता है, कितना टफ होता है कि कोई भी एक दूसरा दूसरा जो कैरेक्टर है उसमें एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ढलना कितना डिफिकल्ट रहता है? देखिए, काम तो बहुत मुश्किल होता है एक अभिनेता के लिए कि एक रोल से दूसरे रोल में अवतरित होना या उसको ट्रांसफॉर्म करना. उसके लिए सबसे पहले तो आपको निर्देशक की जो कला है, उनकी जो सोच है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले मैं वहाँ से बोरो करता हूँ. जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो जो उस स्क्रिप्ट में दूसरे किरदार जो हैं वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, वहाँ से मैं अपनी कहानी बनाता हूँ कि ये जो किरदार है वो कैसा है. वो मेरे लाइनों में नहीं लिखा होगा, वो मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं उससे पता चलता है. तो वहाँ से मैं सारा इन्फॉर्मेशन पहले लेता हूँ और उसको मैं अपना एक लिस्ट बनाता हूँ. फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के मैं उन सवालों के जवाब पूछता हूँ. और सबसे पहला होता है सुर, और पहला दिन आप जो सुर लगा रहे हैं सेट पे, अगर डायरेक्टर बोला नहीं थोड़ा सुर कम थोड़ा ज़्यादा ये वो, फिर धीरे धीरे उस सुर को, अगर आपको वो सुर मिल गया, वो ताल मिल गई, तो फिर आप बस इट्स लाइक अ कंटिन्यूस फॉग, देन यू आर जस्ट रोलिंग इन वन रिदम, वहाँ से आपका रिदम आता है. और बस उसके बाद अगर आपने सालों साल पढ़ाई की है या इस एक्टिंग के प्रोसेस को सीखा है तो फिर आपको मज़े भी आते हैं. ओके जिंदा, शायद तक मैं अगर गलत ना हो, ये आपकी डेब्यू फिल्म है इन बंगाली फिल्म, या इसके पहले आपने की है? नहीं, ये एक्चुअली मेरी बांग्ला में मेरी छठी फिल्म है. मैंने इससे पहले कुछ फिल्में की हैं जो काफ़ी सराही भी गई हैं. बुद्धदा के साथ ही इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी तोप करके, जो इंग्लिश में बोलते हैं द बेट. जब आप किसी शिकार को पकड़ना होता है तो आप बेट लगाते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए उसको बोलते हैं बेट. तो फिल्म का नाम है द बेट, जो नेटफ्लिक्स पे है, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर हुआ था. तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, 5-6 अच्छी फिल्में की हैं, बहुत अच्छी फिल्में. 2 फिल्में बुद्धता के साथ की है, 1 फिल्म टोनीदा के साथ की है जिन्होंने पिंक बनाई थी, तो की हैं. ओके, एज कम्पेयर टू अ बंगाली फिल्म और फुल हिंदी फिल्म, कैसे देखते हैं आप इस कंपैरिजन? देखिए, बंगाली फिल्म में ड्रामा
थोड़ा कम होता है कंपेयर टू हिंदी फिल्म इन टर्म्स ऑफ आई एम टेलिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज इन द एक्टिंग स्पेस द ड्रामा इज लिटिल हाइटेंड जो हिंदी फिल्म में जैसे हीरो आ रहा है वो एक्शन हो रहा है लोग उड़ रहे हैं या बंगला फिल्म हमेशा से ही एक इट्स ऑलवेज ऑन अ सॉफ्ट मेलोड मोड अगर आप पुराने बंगला फिल्म में देखेंगे ब्लैक एंड वाइट फिल्म तो वैसा था बट आई थिंक देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिंदी फिल्म्स आल्सो आई मीन व्हेन द फिल्म्स विद देवानंद एंड दिलीप कुमार साहब एंड बलराज साहनी एंड द ब्लैक एंड वाइट फिल्म ऑफ द 50s उनका सुर जो था वो बहुत अलग था जो हमारा सुर अभी है और लेकिन बंगला फिल्मों में जो ब्लैक एंड वाइट का जो सुर था वो कहीं ना कहीं अभी भी है आते जाते रहता है अभी भी बहुत कमर्शियल और बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं जहाँ पे हाइटन ड्रामा होता है लेकिन मोर और लेस दे आर लिटिल मेलोड कंपेयर टू अ हिंदी फिल्म सर आपने फुल फीचर फिल्म की है वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं तो वेब सीरीज़ में आजकल जो कंटेंट आ रहे हैं एज कम्पेयर टू फिल्म बहुत ही अच्छे आ रहे हैं पर निर्देशक ये भी झिझकते हैं कि कहीं हम फुल फीचर में अगर कुछ ऐसा कंटेंट लाए तो कहीं ना कहीं कुछ अपोज हो सकता है सो वो इतना खुल के नहीं ला पा रहे सो क्या कहना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि जैसे पानीपत मूवी हो गई या हिस्टोरिकल मूवी जो भी आजकल आ रही है उसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी कहीं ना कहीं कहीं खींची जा रही है सो आपका क्या एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं देखिए एज एन आर्टिस्ट मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन में आप ऐसे कहानियाँ कह सकते हैं जहाँ पे आपको शायद रोक टोक इतना कोई ना करे इसमें आपके नग्नता हो सकती है शारीरिक संबंध आप खुले से दिखा सकते हैं आप गालियाँ दे सकते हैं आप चीज़ों को और बोल्ड टॉपिक्स आप कह सकते हैं लेकिन इसका लिमिट कहाँ है वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको खुली छूट दी जा रही तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएँ और कभी यह होता है कि जैसे आप ईरानियन सिनेमा है जहाँ पे आपको कुछ अलाउड नहीं है जहाँ पे फिल्म मेकिंग को एक तरह से बहुत ही मतलब कंपेयर टू हिंदी फिल्म हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री हैं पंजाबी बंगाली तमिल तेलुगु भोजपुरी हिंदी कोंकणी इतने सारे कन्नड़ा इतने सारे फिल्में बनते हैं हम लोग हज़ारों में फिल्में बनाते हैं तो आई थिंक ऑनलाइन में ये स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है लेकिन हमको उसको बड़े ही कटौती के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि उस हर चीज़ की गरिमा होती है और उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना चाहिए सिर्फ करने दिया जा रहा है इसलिए हमको नहीं करना चाहिए तो फिर उस चीज़ की अहमियत कम हो जाएगी देखिए सेंसरशिप मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है अभी हम लोग जिस सदी में 21वीं सदी में हैं सबके पास फ़ोन है इंटरनेट है हम लोग जब हम बड़े रहे थे तो हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था और शाम के कुछ सीरियल चित्रहार और एक फिल्म हफ्ते के अभी बच्चों के पास वीडियो गेम हमको तो वीडियो गेम्स भी खेलने जाना पड़ता था दुकान में दोपहर को वहाँ पे 1 रुपये कॉइन डालते थे वो टोकन देता था वो डालो अटारी खेलो घर आ जाओ तो अपना तो उतना ही लिमिटेड था बचपन लेकिन हमारे पास मैदान खाली हुआ करते थे हम लोग 8-8 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं मिट्टी में लौट रहे हैं लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि बच्चों के पास इतने सारे साधन हैं मतलब स्कूल में लोग बच्चे अभी कहीं ना कहीं एक एक्सपोज जो इतने हो गए हैं उसमें लगता है कि एक सेंसरशिप कोई मायने नहीं रखती मतलब उसकी कि आप किसी को बता रहे हैं कि नहीं यह करना बुरी बात है या वो करने से ऐसा होता है या तो आई थिंक एन ऑडियंस शुड हैव द प्रेरोगेटिव टू जज और सी क्या देखना है क्या नहीं देखना है हाँ पेरेंटल गाइडेंस हो सकता है कि माँ बाप अगर चाहें कि अगर इस फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस है या इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट है या इसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो हम अपने बेटे को या बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आई थिंक ये माँ बाप पे छोड़ देना चाहिए ये पूरे समाज पे लागू करना मुझे लगता है कि आपके ज़माने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ओके चंदा सर इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट मैंने एक्चुअली सारे कुछ डिजिटल शोज ही किए हैं एक काली करके किया है सीरीज़ जो Z5 के लिए है पावले दाम के साथ जो बाइलिंगुअल है हिंदी बंगला दोनों में शूट किया मैंने वो आएगी अभी फिर एक चीज़ केक करके एक TVF का एक सीरीज है उसमें मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कैमियो किया है जो रिलीज़ होगा MX प्लेयर पे और मैंने एक फिल्म किया है ढीठ पतंगे करके अधिकारी ब्रदर्स की जो हॉटस्टार पे रिलीज़ होने वाला बस यार साथ बनाए रखो भाई मैं मुझे पता है मैं बहुत धीरे काम करता हूँ और इससे मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं कि मैं उतना उछल कूद नहीं करता हूँ मैं बहुत धीरे धीरे अपनी चीज़ों को पकाता हूँ तो मुझे साथ रखिए बहुत अच्छी चीज़ें पका रहा हूँ ज़िंदगी में और थोड़ा वक्त दीजिए और जब उस
वो चीज़ अच्छे से पक जाएगी, जब उसका खुशबू जब निकलेगा तो बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। तो जस्ट हैंग ऑन विद मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।